बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जी आया नू, वेलकम हो गया जी आपको यूट्यूब चैनल आरजे मैरिश में। उम्मीद है तमाम देखने वाले बहन भाई खैर वाकिफ से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने और चाहने वालों को खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुमामीन। तो इसी एक दुआ के साथ करते हैं अपनी आज वीडियो का आगाज तकरीबन दिन के 3 बजे, क्योंकि अभी सर्दियां तो नहीं आई, लेकिन जो है ना नवंबर के महीने में स्मोग पहुंच गई है। धुंध, एक हफ्ते से धुंध की वजह से ना दिन निकलते का पता चलता है, ना सूरज गुरु बोलेगा, बस घड़ी की सुइयों से पता चल जाता है कि दिन के इतने का टाइम हो रहा है। सो हम घर बैठे बोर हो रहे थे, तो मेरी आज एक बहन बनी हुई है, उसके घर चल रहे हैं। उसका घर जो है ना थोड़ा सा दूर है, यानी कि माने हमदानी उसका घर है, तो मैंने सोचा कि वो अक्सर हमारे घर आती है, क्यों ना आज उसके घर का आप सबको विजिट करवाया जाए। तो जैसा जैसे ही ये नवंबर का महीना आता है, मेरे दिल का मौसम और बाहर का मौसम मुझे सभी उदास लगती है। तो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए चलती हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन जो है ना छोटे छोटे आ गए, सर्दी नहीं है बस सर्दियों के दिन गिने जा रहे हैं। तो चलती हैं उनके घर का विजिट करवाती हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश के साथ बने रहे। अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल आरजे मैविश पर नए हैं, तो सबसे यही गुजारिश होती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को बरवक्त मिल सके। आज काफी दिनों के बाद आपको जीशान भी नजर आ रहा होगा, इसको भी भूले बसरे घर की याद आ गई। 14 अगस्त का ये निकला, तो तकरीबन ये परसों घर वापस आ गया, और मर का मेरा थे माँ दहाँ मैं वला भी आ दिया, कोई गाल नहीं, सुधरे ने ना सुधरे, लेकिन मेरी थी औला देना ते अल्लाह पाक इन्हें कोई हिदायत देवे के ये कोई सोचन समझन। ते जीशान ते मायरा को खड़े वेंदे से घर, ये चिद्धी दे तो पता है सारे बगैर रांधी नहीं, ये चिद्धी नालगी दी वेंदे पैसे, ते बाहरों का माहौल भी थोड़ा जा चेक करवेंदे से, सूरज ये बिल्कुल ले दे पियो, ओ नजर दा खड़े रे दे पियो, धुंध दा ये आलम है कि सूरज कलियर नहीं नजर दा पिया। हाय वे शानू जडन दा वाला है ना परसों दा, ते ये ते हर वेले शानू को जिमड़ी दी, तानू बिया आख, हां तानू बिया आख, मुस्कान नखरे रे को नखरे, मुस्कान ने नखरे हो बेन टिड्डी दे, जल्दी कह ना मुस्कानी, और साहब तुसा चलाओ धुंध दे, मैं नहीं चलेंदी उठी। हां गुमे दा पिया वे, इब्तदा कर रहे हैं, क्योंकि इस धुंध में अल्लाह ना करे हादसा भी आपको पता है बहुत ज्यादा आजकल पेश आ रहे हैं, और ऊपर से हमारा जो ड्राइवर है ना मरकान था ड्राइवर, स्पीड जितना जल्द रश दे देना स्पीड उतना ही मरवे, जितना रश कहनी होना उतना मट्टा पीवे, मैं गया कि मैं तेन पुट्टे की मांग द। मरकज तक पहुंच गए से माणी अमदाणी, ये माणी अमदाणी दा हस्पताल ना, ये स्कूल है ना भाई, हस्पताल टप पैसे मरकज धुंध की वजह से सारी दीद कमजोर तई वदी है, ये ने मरका माणे दा शहर फुल दी हाथ का माहौल है, देख सकती हैं आप सब बहन भाई, बहुत ही प्यारा मौसम, हल्की हल्की ऊपर से धुंध है, साथ में कपास की बिजाई की जो है ना फसल हुई हुई है, तो साथ में कपास चुनने पर पहुंची हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत विलेज माहौल है जी। तो प्यारे बहन भाइयों, जिस तरह से मैंने घर से निकलते ही आपको बताया था कि आज मैं जा रही हूँ अपनी प्यारी बहन के घर, तो हमारी प्यारी बहन आपके सामने खड़ी है, जिस तरह से आपने पहले भी इसको मेरे चैनल पे देखा होगा। वालेकुम सलाम, मैं तो देखो करा सारी ऑडियंस जेड़े वालेकुम सलाम करे, वो जरा देख सकते वाला करे सर। हां सलाम, तो कैसी हो? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे तो अपने आपका सफर कैसा रहा? सफर बड़ा बुरा रह गया, मैंने खुदा दे पिछाड़ी हो बेटी ना पर चली गई कर जगह, मैं गैस बाजी दिहाते हो सीते वाला पता लग सी, तेरी शक्ल दिहाते ना लगती, मैं कि मैं किशार दी हो सी, मैं बड़ी बकरियां ये चीजें तेरी वीडियो ने दिया ना, मैं था शिफ्ट थे या पहले मैं शहर रहती हूं, क्योंकि तो पता है महंगाई इतना है शहर में, जरा किराया तो बहुत ज्यादा नहीं भोग सकता बंदा, ज्यादा थी कि नहीं वजह वास्ते पहले मैं 3-4 हजार दे जी मतलब उन्हें आके उन्हें बधा दियो मैं के बस मरका एक औरत को बहुत ज्यादा जूफा होते, चाहे सारे मर्द देवे ना देवे, सिर्फ जवान जेड़े होंगे घर दे सिर्फ ना देते, बाकी असा त्रिमती को बहुत जूफा होते, मैं भी आदि कोई ना कोई मेरी वीडियो बनिए, चलो कशा ना कशा आ बनिए, ताकि मैं जो रहना अपने मर्द दे शाना बशाना उनकी सपोर्ट कर सकता, तो हूं गल आई कर गई भेड़ की शक्ल देखो बिल्कुल देहात की नहीं लगती, लेकिन घर जो रहना जंगल चिशोती बुला भी आदि सस्ता मिली गलत विलेज
जो है ना मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से तो मैं विलेज में थी। विलेज अच्छा तो लगता है लेकिन हाँ, जब शहर जाना होता है फिर कैसे जाती हो? मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, हर चीज का मसला होता है, मतलब कोई चीज भी हमने लेनी हो तो शहर जाना पड़ता है। और मेरे तो छोटे बच्चे हैं, आपने देखा है और व्यूअर शायद इन्होंने देखा होगा मेरी वीडियो तो इनको पता होगा, तो छोटे हैं अभी, स्कूल भी जाते हैं, कोई चीज लेनी हो तो मैं उनको भेजती हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। शहर जब जाना होता है तो फिर हम कोई कैसे जाती हूँ, पैदल जाती हूँ इतना सफर करके? वैसे मोटर बाइक मेरी है पड़ी, वो किसी मतलब रिश्तेदारी को बोलती हूँ, मतलब के कहीं जाना हो तो, या फिर अपनी जो दूसरी सवारी होती है ना लोकल, यहाँ पे लोकल सवारी तो आती नहीं होगी क्योंकि ना यहाँ वैन आती है ना रक्षा, अड्डे तक जाना, अड्डा भी काफी दूर है, देखा होगा अड्डा जहाँ पे है ना, तो काफी ज्यादा बहुत ज्यादा सफर था, मुझे बहुत ज्यादा शौक था इसका घर देखने का। जब से ये मेरे घर से गई थी तो मैं रोज दिल में सोचती थी कि ये मुझे इनवाइट करेगी करेगी, लेकिन इसने मुझे इनवाइट नहीं किया, तो कल मैंने जबरदस्ती इसको खुद मैसेज किया। मैं थोड़ा सा सेटिंग कर रही थी घर की, क्योंकि जब मैं इधर सेटल हुई ना तो पहले जो किराएदार बैठे थे उन्होंने बिल्कुल भी कुछ इधर बनाया हुआ नहीं था। सबसे पहले दिखाती है इनका एंट्री गेट, ये है एंट्री गेट और साथ ही इनके बाथ है और साथ में ही है इनका जी नलका, नलके दाते तो पता है नलका लवारे ठंडी छा ते ठंडी छा बेर दी जेले थी वे नलका पहले लग गए ते बहुत ज्यादा मेरे को शौक आ इंदे कुकड़ी ना घर देखण दा, ए वे मरका खुडा सारे तरह के चादन खुडा ते वे टोकरा टोकरे दे नाल खड़े साइकिल साइकिल आप ही चले नी दे बाली चले ने ते अनार शोदी दे गुलहरियां खा वे ने वीडियो च दे दे पाउंदे से दुआ करो कर दते ने मैं बता के चंगे चंगे हो सुन पहली मैं खौ संग किचन ते बिजली वगैरह दा निजाम कहनी बस ये डू सोलर प्लेट दी शोदे गुजारा की थी पहने। ये देखो इन्हें जरी बगीचा है बहुत प्यारा है ते के कल्ले दा बूटा है, ये बबरी है, बबरी दी खुशबू बहुत ज्यादा चंगी होंदी है, बबरी दे पत्ते दी चटनी भी बड़े ने से, अंब शोदे ते गुरबत आ गई है सड़ गए। त्रेमती को जूफा कितना होते है कुकड़ी बकरिया। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है मैं अदी भेणो वो बीबी मेरा मोबाइल ना खावी मैं कुपिया कोई गेंद तेरे वाला लगा नहीं ए वे जी बकरी खंडी आता हूँ ए है काठिया काठिया दे नाली दो चूल्हा बड़ी पनाली गुजारे लाइक शो दे हाय वे साग साग दना गिंदे मुंह इस पहले पानी आवण पे वेंदे ये है जी जे बलोच साहिबा का एक अदद रूम। इस रूम को कल सफेद पेंट हुआ हुआ था और आज इसको पिंक हो गया। मैं खुद परेशान होगी कि मुझे मेरी नज़र कमजोर हो गई, कल तो ये सफेद लग रहा था और आज अचानक से पिंक हो गया। देखो मरका सर इस रह के नहीं मशहूर रिवायत है गिंदिया ए है शो दीदी सेफ जी कल बार हो थी आज अंदर एक अदद कोक की बोतल कोक तक पता है जिंदगी का हिस्सा है ऐसा पाकिस्तान है दी माशाल्लाह इतना सारी मेडल कहने पूरा टब्बर सुखे तो माशाल्लाह दाने इतना रखी पहले इतना खंदे वे क्या चिरड़े पके से दू दू काम करे सी मारका चिरड़े पके सी नाल पुलाई पके सी नाल भात पके सी गोड़ आले चावल है चावल हैं पे वो बड़े चावल वाली वैरायटी जी है फिर छोटे वाले अच्छा धोए रखी पे जी हां ड्रेस सारे कंपल कौन सुंदर आले पहले सारा स्याला अपना चिरड़े भी खाओ सु हाय रे मजे करे सु मैं रोज वीडियो में देखती थी इसकी मुर्गी और उसके चूजे और अंडे तो इनसे ज्यादा मिलने का शौक था मुझे बहुत ज्यादा शौक था इनसे मिलने का बीबी पट्टी ना सब बंदे ढेर सारे पीछे लगे पट्टा ले और तू ना पट्टी देखें जी हर किसी को अपने बच्ची अजीज होती है अपने बच्चों को लेकर अंदर चली गई और किसको गुस्सा आया होगा मेरी वीडियो को बना हमारे फेमस थी वैसे यूट्यूब चैनल आर जे मैं वैसे वेंदी पई नखरे ना निकाल ज्यादा वे मारका जोड़ी ला लेंदी ए जड़ी औरत है ना अपने बाले को माशाल्लाह इन देहात च रहते भी पढ़ेंदी पी मैं कोई ना सब को वड़ी चंगी आदत ए लगदी है शो दे डू चूजे इन जडन ते चूजे जवान थी सेन जवान थी अब मां को खट कवे सो या रन्ने दे थी खड़ सो अम्मी ए ते होणा दे पे वे जले तेरे कबूतर आन ठर गए क्या मतलब सर्दियां दे कहनिया या ठर किवे गए बिल्ली मार गए हां हुनी मारते हम साए दे घर आ
अच्छा हाँ कबूतर का खुडा वो वाला अड़ी निकलड़ी निकलड़ी बाहर इनको ज्यादा शौक है नलके चलावण दा मर का हुन दिख लेने से तो कीचन नहीं ना किचन को इवें बना इवें बनाना देसी माहौल दा है वे किचन इज लाइक बांधी रानी क्या तीनों ने हमारे लिए हमारी खातर तवाजो के लिए कुछ मंगाया है तो आप सबसे भी आप सब हमारी फैमिली है तो आपको भी दावत दे रही हूँ आ जाएगी बाजी लेट आई है वरना कोई कुछ चावल की शौकीन है बाजी हमारी सरिया। ये तो था हमारी प्यारी सी सिस्टर जे ब्लाउज का घर जिसका हमने आपको मुकम्मल होम टूर करवाया। कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग हमारी आज की वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर ना भी अच्छा लगे तो मुकम्मल वाच करने के साथ आगे शेयर कर दें ताकि हम आपको मजीद बोर करते रहे। मर का सारी वीडियो देते नांग ते कहनी बैठा हूं तो मुकम्मल लिवे वाच करें अगर मुकम्मल वाच ना भी करो तो शेयर कर छोड़िया करो सारे तुम्हारे लिए घर कंजूस ते कहनी होंगे कोई तो वीडियो मुकम्मल वाच कर रहे थी बहुत मेहनत करें से बहुत स्ट्रगल होने सारा सारी टीम हर लै वी कि मेरे ना वीडियो बढ़ेने से देखने वाले स्किप करते बैठी वे उन्हें को एहसास ही नहीं आता कि एक सारी बीमार पर लेनी गली लाती होंगी अठ मिनट पूरी मेरी वीडियो है ना अठ मिनट का ही मैं पूरी बीमार का सारे नचोड़ होंगे लेकिन तुसा सबको तरस नहीं होंगे कहीं पर मुस्कान लोग से इजाजत लेती हैं। ओके जी अल्लाह हाफिज तो मिलेंगे नेक्स्ट जिंदा रहे तो मर गए थे लाया गुलाए बख्शे चा पैसे का घर देहात में था जिसकी वजह से मुस्कान की तो हालत ही देखने लायक हुई हुई है मट्टी मट्टी हो गई है ओए ही हालत नाल कोई धाड़ वे मैं नहीं बांधी बहुत सारी अच्छी यादें लेकर हम इनके घर से जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत माहौल था देख सकती हैं छोटे छोटे खजूरों के दरख्त भी वायर लगे हुए हैं और जो इस साइड पे ना मेहंदी है मेहंदी जो हाथों पे लगती है ये सारे मेहंदी के पौधे हैं फुल विलेज माहौल में इनका घर है आए हुए हैं शनवारी पंप पे मेरा दिल कर रहा था कि टिक्कियां या कबाब खाऊं कुछ टेस्टी तो जनाब को मैंने भेजा शायद शॉप से कुछ मिल जाए क्योंकि यहाँ शॉप पर टेस्टी टेस्टी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये देखिए ये गए हुए हैं आज गाड़ी मैं नहीं ड्राइव कर रही क्योंकि धुंध है कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था तो स्पाइसी में पता नहीं ये क्या चीज़ मिली है लगता तो ऐसी है जैसे चिकन का कोई बल्ला बना हुआ हो वो भी स्पाइसी सा अगर आप सब कुछ का नाम आता हो तो कमेंट में बताएं कबाब और टिक्कियाँ नहीं थी ये था तो जनाब ले आए और मैं भी इसको एंजॉय कर रही हूँ तो मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें मिलूंगी याद रखिए अल्लाह हाफिज़।